एमपी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। यूपी की सीमाओं से जुड़ी विधानसभाओं पर खासा फोकस रहने वाला है। रीवा सिरमौर में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। खजुराहो में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। तो एमपी के चुनावी रण में समाजवादी पार्टी की अब एंट्री हो चुकी है। बता दें कि आज से दो दिवसीय एमपी दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। दरअसल यूपी की सीमाओं से जुड़ी विधानसभाओं पर खासा फोकस जो है अखिलेश यादव का देखा जा रहा है। जैसे कि रीवा और सिरमौर में अखिलेश यादव आज जनसभा करने वाले हैं। खजुराहो में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज अखिलेश यादव का एमपी दौरा किन मायनों में अहम और कितने बजे पहुंचेंगे अखिलेश यादव एमपी? अलीशा, बात की जाए तो काफी अहम दौरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब किसी बड़े लीडर की, तीसरे बड़े लीडर की या चौथे किसी राजनीतिक दल की बात की जाए तो अब दौरे होने जा रहे हैं। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी जो है वो पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। अभी तक के हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी आ चुकी है, 30 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, केजरीवाल भी कई बार आ चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। अब इन सबके बीच अखिलेश यादव का भी दौरा तय हुआ है और आज वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो वो जिस इलाके में आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके, रीवा का सिरमौर आ रहे हैं, खजुराहो आ रहे हैं, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश यही है अलीशा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर सीटें जीती जाए जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी का असर माना जाता है। पिछली बार 2018 की बात करें तो जो छतरपुर जो यूपी से सटा हुआ इलाका है वहां से एक सीट जीती थी और बिजावर एक सीट थी वहां से जीती थी। अब वो विधायक की बात की जाए तो वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इस बार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा था अखिलेश यादव को, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी सीटें जीते कि वो किंग मेकर